हेलो फ्रेंड्स, लतवारे फैशन डिजाइनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वीडियो देखकर तो आप समझ गए होंगे, आज हम अफगानी जो ट्राउजर पैंट है या सलवार है उसकी कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। और जितनी भी आपको प्रॉब्लम फेस होती है ना इसको बनाने में, वो आज की वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो, मैंने इसके ऊपर ये कुर्ती बनाई हुई है जिसको मैंने कुछ डिजाइनर लुक दिया। ये नॉर्मल सा सूट था जिसको मैंने 600 का मार्केट से लिया था और उसको मैंने पूरा डिजाइनर लुक दिया है। इसकी कुर्ती की वीडियो आ चुकी है, वो आप चैनल पे जाके देख सकते हो उसके पार्ट वन में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपनी फैब्रिक को बिछा लिया है। मेरा अप्रोक्सीमेटली जो मेरा फैब्रिक है ये 2.5 मीटर है, ठीक है। यहाँ पर मेरा 2.5 मीटर ये फैब्रिक है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ऑन फोल्ड पे 20 इंच है, मतलब सिंगल पे मेरे ये 40 इंच रहेगी। तो इतना है ये, मैंने 4 लेयर में इसको बिछा लिया है। इसी तरीके से आपने भी बिछा लेना है और वीडियो को फुल वॉच करना है शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आप इसको सीखना चाहते हो तो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने कपड़े को ऊपर से सीधा कर लूंगी, ठीक है। और जो अनफोल्डेड साइड है वो मेरी तरफ को है और बाकी खुली साइड मेरी दूसरी तरफ को है। सबसे पहले मैं यहां से नीचे को लूंगी 2.5 इंच, ठीक है। इसके ये मुझे इलास्टिक के लिए रखना है, 2 इंच का मेरा इलास्टिक है, आधा इंच मेरा मोड़ने में जाएगा तो इसलिए मैं 2.5 इंच रखूंगी। आपने यहाँ पे इलास्टिक के हिसाब से रखना है, अगर 1.5 इंच का इलास्टिक है तो फिर आप 2 इंच इसको रखिएगा। तो ये सिर्फ इलास्टिक के लिए है, सबसे पहले ऊपर हमने इलास्टिक के लिए ये रख लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इलास्टिक के लिए रख लिया है, ठीक है। अब यहां से नीचे लेंगे हम पूरी अपनी टोटल लेंथ, जितनी भी आपकी लेंथ है वो आपने यहां से नीचे रखनी है, टोटल लेंथ -1 इंच। जैसे अगर आपकी लेंथ 37 इंच है तो उसमें -1 होगा, क्योंकि -1 इसीलिए क्योंकि बाद में हमारी मोरी इसमें अटैच होती है 1 इंच की, तो इसीलिए हमने यहाँ पे -1 कर लेना है। जैसे मेरी 37 है तो मैं 36 यहाँ पे रखूंगी, ठीक है, इतना आपको भी रख लेना है। तो यहाँ पे मैंने लेंथ ले ली है, ये मैंने आपको बता दिया, जैसे 37 थी -1 किया तो 36 मैंने यहाँ पे रख ली है। अब उसके बाद यहाँ पे मैं सीधी लाइन आगे को ड्रॉ कर लूंगी। ध्यान रहे ये मेरी ऑन फोल्डेड साइड है, मेरी तरफ को ड्राफ्टिंग हमने ऑन फोल्डेड साइड से ही खुली तरफ को करनी है। अब आ जाइए ऊपर, तो ऊपर हमने क्या लेना है, 1/3 ऑफ राउंड हिप। जितनी भी आपकी राउंड हिप है, जितनी भी आपकी टोटल हिप है, उसका आपने तीसरा हिस्सा लेना है। जैसे मान लीजिए 36 है तो 12 ये हो गया 36, तो 12 इंच आपको रखनी है, ठीक है। अगर उससे ज्यादा है आप उस हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद मैं रखूंगी आसन, तो आसन भी मैं यहाँ पे 12 इंच रखूंगी। आप अपने हिप के इस अकॉर्डिंग रख सकते हो, अगर 40 तक हिप है तो 12 इंच रखेगा, उसके बाद है तो 12.5-1/2 आप इस तरह से रख सकते हो। तो यहाँ पे भी मुझे 12 इंच मार्क करना है आसन के लिए और फिर इसको सीधा आगे मिला लेना है। सीधी लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर लूंगी। सीखने में कुछ भी दिक्कत आ रही है प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब उसके आगे 2 इंच लेना है मुझे आसन के लिए, ठीक है, और इसके बाद 1.5 इंच लेना है मुझे यहाँ पे मार्जिन, क्योंकि हमारा देखिए बैक और जो फ्रंट है वो इकट्ठा इसमें बनता है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 इंच मार्जिन ले, 2 इंच हमने आसन के लिए लेना है और 1.5 इंच आपने आगे इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। तो इससे आपकी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी जो आपकी ट्राउजर होगा। अब आ जाइए मोरी पे, तो मोरी हमने किस हिसाब से रखनी है, जितनी भी आपको मोरी पहननी है, मान लीजिए आपको 6 इंच पहननी है तो फिर आपने 12 इंच इसकी मोरी रखनी है, डबल रखना है, ठीक है। और अगर 7 इंच पहननी है तो 14 इंच रखिएगा, इस तरीके से आपने रख लेनी है। तो मुझे 6.5 इंच रखनी है तो मैं यहाँ पे 13 इंच मोरी जो है नीचे से रखूंगी, इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको हम सीधा ऊपर मिला लेंगे, जो हमारी जो हमने देखिए यहाँ पे 13 इंच लिया उसको हमने जो 2 इंच हमने आसन लिया था उसके साथ हमने इसको मिला लेना है। उसके बाद हमने बाहर से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा था उसको हमने इसके सेंटर में मिला लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ वैसा ही आपको करते जाना है अगर आप अफगानी ट्राउजर पैंट अच्छे से बनाना चाहते हो। तो इस तरीके से देखिए आपने करना है, ये हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा, इसको आपने बिल्कुल सेंटर पे मिला लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे हो गया है और आसन भी हमने दे दिया है। अब हमारी कटिंग इसकी पूरी हो गई है, अब हम इसको काट लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत सिंपल है, बहुत आसान है ये बनाना, बस बनाने का तरीका आपको आना चाहिए। तो चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं एज इट इज, बाहर से जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही आपको इसकी कटिंग भी कर लेनी है। तो
यहाँ से मैंने देखिए इसकी कटिंग कर ली है। आप चाहे तो यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा भी रख सकते हो कटिंग के लिए नीचे मोहरी के पास, क्योंकि जब हम स्टिचिंग होगी तो हमने इसमें आधा इंच हमारा जोड़ने में चला जाएगा, इसलिए आधा इंच आप रख लीजिएगा एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे मैंने बुक रूम ले ली है और बुक रूम को मैंने अटैच कर लिया है। 1.25 इंच की मेरी पट्टी है और बुक रूम की जो चौड़ाई है वो मैंने रखी है, ये 1.25 इंच की पट्टी है, इसको मैंने अटैच कर लिया है इस तरीके से। इसी तरीके से आपको भी इसमें अटैच कर लेना है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है इसलिए मैंने इसको बता दिया है आपको, पहले ही मैंने अटैच इसमें कर लिया था। ठीक है, अब हम आसन जोड़ेंगे। तो आसन देखिए कहाँ से हमने जोड़ना है, यहां से जो हमने 1.5 इंच रखा था एक्स्ट्रा, वहीं तक ही आपको इसको जोड़ना है आसन को। जो आगे वाला मार्जिन है उसको आपको एज इट इज रहने देना है, या थोड़ा सा ऊपर तक आप कर लीजिए। देखिए यहां पे मैंने रोक लिया इसको, अब यहां से ही ऊपर मैं वापिस हो जाऊंगी। इससे हमारी जो फिनिशिंग है जब हम बाद में अटैच करेंगे ना पूरा इसको, तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी आपकी। तो इसी तरीके सेम तरीके से मैं दूसरी तरफ भी आसन की सिलाई लगा लूंगी। ठीक है, आसन से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा खुला पार्ट हमने रहने देना है, लगभग 2-3 इंच हमने इसको खुला रहने दिया है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे दोनों तरफ सिलाइयाँ लगा ली है, दोनों दो दो सिलाइयाँ मैंने यहाँ पे लगा ली है। अब आ जाइए मोहरी पे, तो अब मोहरी को हमने फोल्ड करना है। तो मोहरी पे सबसे पहले हम प्लीट्स डालेंगे, आप प्लीट्स डालना चाहते हो प्लीट्स डाल सकते हो, गैदरिंग करना चाहते हो गैदरिंग कर सकते हो। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको करना है ताकि आपकी जो मोहरी है वो 13 इंच सिंगल पे तैयार रहेगी, बाकी 1.5 इंच आपका साइड में जाएगा मार्जिन के लिए, या 1 इंच आप रख सकते हो मार्जिन के लिए। तो उसी हिसाब से आपने रखना है, लगभग 15 से 16 इंच आपको ये रखनी पड़ेगी। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने देखिए प्लीट्स डाल ली है, सेम तरीके से मैंने दूसरे में भी प्लीट्स डाल ली है। अब मैं यहाँ पे इसमें ये पट्टी जो मैंने बना के रखी थी 16 इंच की ही इसकी लेंथ आपको रखनी है, अगर आप 6.5 इंच पहनना चाहते हो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, देखिए इसको हमने अटैच करना है। तो मेरे जितना भी एक्स्ट्रा था थोड़ा बहुत इसमें मैं उसको कट कर लूंगी, सिर्फ नीचे की तरफ मुझे 1/2 इंच मार्जिन रखना है इसमें। अब इस तरीके से रॉन्ग साइड से देखिए राइट साइड की तरफ को मैं इसको अटैच करूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे की तरफ मैंने पट्टी रखी है, ऊपर की तरफ को मेरी ये राइट साइड है, जो मेरा ट्राउजर है उसकी मेरी राइट साइड ऊपर की तरफ को है। ठीक है, रॉन्ग से राइट साइड आपने मिला के रखनी है, पट्टी की हमारी रॉन्ग साइड होगी और इसकी हमारी राइट साइड ऊपर की तरफ को होगी। अब हमने पलटना है इसको, देखिए इस तरह से खोलेंगे इसको और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और अब इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, जो 1/2 इंच मार्जिन है उसको हम इस तरह से दबा देंगे अंदर की तरफ को, और इसके ऊपर हमने सिलाई लगाते जाना है। मुझे यहाँ पे इस पे लेस अटैच करनी है, जैसे मैंने अपनी कुर्ती पे लेस अटैच की थी वैसे ही मुझे यहाँ पे लेस भी अटैच करनी है, कुंदे वाली लेस मुझे अटैच करनी है। तो उसको भी मैं इसके साथ देखिए इस तरीके से अटैच करूंगी, सिलाई भी लगाती जाऊंगी साथ में इसको भी अटैच करती जाऊंगी। देखिए आप एक बार कुर्ती की वीडियो जरूर देखिएगा अगर आप इसको अच्छे से सीखना चाहते हो। ठीक है, सेम डिजाइनर सूट अगर आप बनाना चाहते हो, कोई जरूरत नहीं है आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की, आप इस तरह से देख के बड़े आराम से घर में बना सकते हो। पहले कोई भी रफ जैसा सूट ले लीजिए, उसके ऊपर ट्राई कीजिए, बाद में आप अच्छा सा सूट लेके भी ट्राई कर सकते हो और इस तरीके से आप डिजाइनर बना सकते हो। तो अब मैंने इसमें अटैच कर लिया है, सेम तरीके से मुझे दूसरी मोहरी पे भी अटैच कर लेना है और इसके ऊपर मुझे एक और सिलाई लगानी है, साथ में नीचे भी मुझे टॉप स्टिच इसमें लगा लेना है। यहाँ पे भी मैं टॉप स्टिच लगा लूंगी, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो दोनों में देखिए मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है, ये दोनों आप देख सकते हो मेरी पट्टी में यहाँ पे जोड़ भी लगा है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नीचे जो मोहरी है, जब पट्टी मैंने बनाई थी तो उसमें जोड़ बड़ा था क्योंकि मेरा फैब्रिक कम पड़ गया था। ये कम इसीलिए पड़ा था क्योंकि मेरे कुर्ती पे भी मैंने इसका पट्टी लगाई थी, इसीलिए फिर मेरा ये फैब्रिक कम पड़ गया था। तो अब हम इसकी मोहरी फोल्ड करेंगे। तो मोहरी मैंने सिर्फ यहाँ पे 6 इंच रखी थी, हालांकि मैं पहले 6.5 इंच रखने वाली थी लेकिन फिर मैंने 6 इंच इसकी मोहरी रखी, और 6 इंच मार्जिन इस तरह से हमने साइड में जितना मार्जिन है उसको रहने देना है। यहाँ पे मैं 2 बार सिलाइयां लगा रही हूँ और इस सिलाई को हमने आसन तक ऊपर लगा लेना है। एक साइड से हम आसन तक सिलाई लगाएंगे, उसके बाद सेम तरीके से हमने दूसरी साइड भी सिलाई लगानी है आसन तक। हमने यहाँ पे देखिए आसन तक हम सिलाई लगाएंगे, जो खुला पार्ट है आपका जहाँ पे हमने सिलाई नहीं लगाई थी उसको आपने खुला ही रहने देना है आसन के पास। ठीक है, पहले आप मोरी से आसन तक सिलाई लगा लीजिए, जितना भी हमने मार्जिन 1.5 इंच का रखा था तो उसी के ऊपर आपको सिलाई लगानी है, वो 1.5 इंच का मार्जिन ही आपका रहना चाहिए।
तो यहाँ भी आप देख सकते हो मैंने सिलाई लगा ली है और दो दो सिलाइयाँ मैंने यहाँ पे लगा ली है ताकि मेरी सिलाइयाँ ना निकले, इसलिए मैं दो दो सिलाइयाँ लगा लेती हूँ। अब आ जाइए आसन पे। तो आसन देखिए हमने इस तरीके से रखना है, ये सिलाई हमने इस तरीके से मिला के रखनी है और जो भी मार्जिन है उसको हमने अंदर की तरफ को फोल्ड कर देना है और अब हमने यहाँ से सीधी सिलाई लगानी है। इससे ये जो हमारी सिलाई लगती है इससे फिनिशिंग हमारी बहुत अच्छी आती है। ये देखिए इस तरीके से हमने सिलाई लगानी है, दो सिलाइयाँ मैं यहाँ पे लगा रही हूँ फिर से मोड़ के, ठीक है, ताकि मेरे यहाँ से निकले ना है इसलिए मैंने यहाँ पे दो सिलाइयाँ लगा ली है और जो भी हमारा खुला पार्ट था यहाँ पे आसन का वो देखिए यहाँ पे अटैच हो गया है। अब आ जाइए ऊपर, अब हम करेंगे इलास्टिक के लिए फोल्ड। जो इलास्टिक के लिए हमने 2.5 इंच रखा था उसको हमने फोल्ड कर लेना है, आधा इंच जाएगा हमारा मार्जिन में, बाकी 2 इंच रहेगा हमारा तैयार है। तो इस पे हमने सिलाई लगा लेनी है, थोड़ा सा पार्ट हमने खुला रखना है जहां से हमें इलास्टिक अंदर इंसर्ट करना है तो, और बाकी हम पूरी सिलाई इसमें लगा लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी सिलाई लग रही है, मैंने ऑलमोस्ट सिलाई अपनी फिनिश कर दी है और थोड़ा सा पार्ट मैंने यहाँ पे खुला रहने दिया है ताकि मैं अपने इलास्टिक को अंदर इंसर्ट कर सकूं। तो यहाँ पे मैंने इलास्टिक ले लिया है, तो इलास्टिक की जो लंबाई है वो आपने कितनी रखनी है, टोटल जितनी भी आपकी हिप है उससे आपको -6 इंच कर लेना है। -6 इंच कर लीजिए, -8 इंच कर लीजिए। मान लीजिए आपकी 36 है तो आप 30 इंच ही रखिए, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा टाइट पहनना है तो फिर 28 भी आप रख सकते हो, या आप अपने हिसाब से रख सकते हो। अब यहाँ पे मैंने सेफ्टी पिन की सहायता से इसमें डाल लिया है ये, अब इसको हम इस तरीके से करेंगे और यहाँ पे हमने सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारे ये निकले ना छूटे ना, इसलिए हमने इसको ज्वाइंट कर लेना है अच्छे से। ये इलास्टिक को इंसर्ट करने का सबसे आसान तरीका होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपनी इलास्टिक को यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है और थोड़ा सा मुझे इसको खींचना है ताकि जो प्लीट्स है वो बराबर पड़े। अब जो हमने खुला पार्ट रखा था जहाँ से हमने इलास्टिक को अपने अंदर इंसर्ट किया वहाँ पे भी हमने इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी सिलाई यहाँ पे लग चुकी है। अब मैं धागे को कट कर लूँगी और फिर से इसको पुल करूँगी, एक बार खींचूँगी फिर से क्योंकि मुझे सेंटर से भी इसमें सिलाई लगानी है। तो इसको खींचते हुए आपने सेंटर से इसमें सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। इसको खींचना है और बिल्कुल इसमें सेंटर से सिलाई लगानी है ताकि हमारा जो इलास्टिक है कहीं से फोल्ड ना हो, इसलिए हम इस तरीके से इसमें पूरी सिलाई लगा लेंगे। तो इसको खींचते जाना है और बाकी इसमें सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी सिलाई भी यहाँ पे लग चुकी है और फाइनल लुक ये रहा इसका बनने के बाद। बिलीव मी गाइज, एक बार आप बना के जरूर देखेगा इसको, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये वाला तरीका बहुत पसंद आएगा आपको। और इस कुर्ती को पूरा सूट ये डिज़ाइनर बना करके देखिएगा, जब बना लोगे ना तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। और आप कमेंट बॉक्स में बाद में जरूर लिखिएगा, बाद अभी कमेंट मत कीजिएगा, बाद में आप कमेंट जरूर करके बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।